देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। गोवर्धन में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना हुआ मुश्किल, सड़कों पर सन्नाटा। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी जानलेवा बनी है। आसमान से बरसती आग के कारण घर के कमरे भी दहकने लगे हैं। कूलर पंखे से भी गर्म हवा निकलने लगी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे छोटे बच्चों की है। गोवर्धन के कस्बा अड़िंग में छोटे छोटे बच्चे मुंह ढककर बाहर सामान लेने जा रहे हैं। आसमान से सुबह 9 बजे से ही धूप नहीं आग बरसने लग रही है। इससे घर बाहर कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। दोपहर में तो कमरे दहकने लगते हैं। इससे पंखे कूलर से भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। घर से बाहर निकलने पर लोग गमछा दुपट्टा और छतरी से खुद को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन इन इंतजामों में से भी लोग गर्मी धूप से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। गर्म हवाओं के थपेड़े जिस्म झुलसाते रहते हैं, इससे हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। वर्षा सैनी, अच्छा अभी आप आ रही हो, ऐसे आ रही हो तीनों जनी, कहाँ से आ रही हो दुपट्टे लेकर? हम कुछ सामान लेने गए थे बाजार। ये क्यों लगा रखा है आपने? चश्मा लगा गर्मी और देखो यार चश्मा लगा रखा है और दुपट्टा भी लगा रखा है। की वजह से गर्मी ज्यादा है। हाँ। कैसी कैसी गर्मी पड़ रही है आपको? वैसे आज बहुत गर्मी है, पंखा कूलर घर पे भी बहुत है। कैसी हवा दे रहे हो? वो गर्म हवा दे रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा इतनी गर्मी है? हाँ। अभी आप ये गमछा लगा के जो आ रही है सिर पे, कहाँ से आ रही है? हम बाजार से, बाजार गए थे हम सामान लेने। तो ये क्यों लगा रखा था आपने? बहुत गर्मी हो रही है और आज धूप भी बहुत हो रही है। धूप भी बहुत हो रही है।